हेलो एवरीवन, चलो आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नया टॉपिक लिया हमने आज आर्टिकल्स का, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो है कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। आप देखो यूज़ क्या होता है इनके, कहाँ कहाँ लगते हैं। ए आर्टिकल कहाँ लगता है इसको हम बताएंगे, फिर एन और फिर द, इनके यूज़ कहाँ होते हैं। सबसे पहले जो है आता है हमारा ए आर्टिकल। ए आर्टिकल कहाँ लगता है? ए आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और नाउन क्या हो, सिंगुलर हो। जैसे कि एग्जांपल, दिस इज अ बर्ड, तो ये एक चिड़िया है, एक आ गया ना, एक। ए का मतलब क्या होता है? एक, अ बर्ड, तो फिर क्या है, ये एक चिड़िया। दूसरा देखो, बिफोर अ प्रोफेशन, अगर कोई प्रोफेशन है, रैंक, टाइटल, रिलीजन, उससे पहले क्या लगेगा? ए लगता है। एग्जाम्पल, जैसे कि प्रोफेशन क्या है, जैसे कोई टीचर है तो क्या कहेंगे हम? अ टीचर। इसी तरह से कोई कमांडर है, अ कमांडर, ही इज अ कमांडर। और कोई क्या है, हिंदू है, रिलीजन उसका क्या है? हिंदू है, तो ही इज अ हिंदू। वो क्या है? एक हिंदू है, ही इज अ हिंदू, ठीक है। एन इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स विच इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए है हम उसका यूज क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव से पहले करते हैं जो कि क्या है, सिंगुलर है। जैसे कि गुड डांसर, गुड अच्छा डांसर, तो गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इससे पहले क्या लगेगा हमारा, ए लगेगा, क्योंकि ये क्या है, गुड डांसर, एक जने की बात कर रहे हैं, और ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव। तो किसी एडजेक्टिव से पहले जो क्या हो, सिंगुलर हो, उसके पहले क्या लगेगा, ए। ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, तो ए उन शब्दों से पहले लगते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड्स होते हैं, जो वॉवल नहीं होते हैं। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, क्या है हमारे, वॉवल्स हैं। तो ये शब्द जो होते हैं इनसे पहले क्या लगता है, एन लगता है। इसलिए जो ये शब्द नहीं होते, जो ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, जैसे सी, डी, एफ, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, दे आर नॉट वॉवल्स। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनसे पहले क्या लगता है, ए लगता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे देखो, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या नोट करने की है कि अब कुछ ऐसे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स जैसे ए, ई, आई, यू, यू है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन वॉवल्स से पहले क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कोई वर्ड यूनियन, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, ये है तो यू, यू क्या है, वॉवल है, पर इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अभी हमने रूल बताया ना कि जो ए है क्या होता है, कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, जैसे ए वूमन, ए हीरो। मगर क्या है, ये कुछ वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले भी लगता है। क्या रूल है कि अगर कोई वर्ड जिसके अंदर क्या आवाज़ आए, यू की आवाज़ आए, वाई यू, यू की आवाज़ आए, वाई यू, यू की आवाज़ आए, यू, इसकी आवाज़ आए, तो वो क्या है, उससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। जैसे कि ए यूनियन, यू की आवाज़ आ रही है, और जो यू होता है वैसे उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, अ। यू को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, अ के फॉर्म में किया जाता है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होता है ना वर्ड, तो हम क्या बोलते हैं यू को, अ अम्ब्रेला। पर अब इसमें देखो ये यू से शुरू हो रहा है वर्ड यूनियन, पर इसकी आवाज़ क्या आ रही है, यू करके आ रही है, तो उनसे पहले क्या लगेगा, ए। इसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक, ठीक है। अब देखो आगे चलो, बिफोर द वर्ड्स, आप देखो ये क्या है, ये किससे पहले और लगता है, बिफोर द वर्ड वन। अब देखो वन में है, वन किससे शुरू हो रहा है, ओ से। अब ओ क्या है, वोवल, मगर इससे पहले क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, देखो ओ एन ई वन, किसकी आवाज आ रही है, वा की, वन, वा, वा की आवाज आ रही है। अगर वॉइस आए, साउंड आए आपको किसकी, वा की, तो उसे आप पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए वन आइड मैन, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं ना, ए वन रुपी नोट, उसे पहले आप क्या लगाओगे,
ए लगाओगे, ठीक है। जो कि इसे आवाज किसकी है, वा की है। चाहिए किसे शुरू है, वो वोवल से ही शुरू है। वो क्या है, एक वोवल है, इसे पहले क्या लगना चाहिए था, एन। अगर नहीं, ये रूल है, एक्सेप्शन है कि वा की आवाज आएगी तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा आता है हमारा आर्टिकल एन। दूसरा आर्टिकल है हमारा एन। एन इज यूज, ये भी इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये जो वर्ड्स होते हैं वोवल्स होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, पहला रूल यही है, इनसे पहले क्या लगता है, एन। जैसे एन एस, एन एलिफेंट, एन ऑक्स। अब देखो ओ की आवाज यहाँ पे आ रही है ना, ऑक्स, ओ की आवाज आ रही है, तो हमने जो है इसके आगे क्या लगाया है, एन लगाया, क्योंकि ओ क्या है, वोवल भी है और इसके अंदर आवाज किसकी है, ओ की आवाज है। इसमें वन में आवाज किसकी थी, वा की, तो इसलिए हमने लगाया था ए, ठीक है। अब देखो आगे, वर्ड्स बिगनिंग विद साइलेंट एच। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट तो एच से होंगे मगर उनमें आवाज एच की नहीं आती, जैसे कि ऑनेस्ट। अब देखो एच को क्या कहा जाता है, हा। एच क्या है हमारा, हा, तो हा की आवाज नहीं आ रही है। जैसे हा से का मतलब होता है, एच से शुरू होते हैं जैसे वर्ड्स हम्बल, मान लो, ठीक है, तो एच किसे स्टार्ट हो रहा है, हम्बल, तो हा की आवाज आ रही है ना आपको। मगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं बट उसमें एच की आवाज नहीं आती, एच साइलेंट, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट। अब आवाज किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, ऑनेस्ट, एच की तो नहीं आ रही ना, ठीक है, उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। अब जैसे आवर, तो आवर में किसकी आवाज आई, आवर, इस वाले हिस्से की आवाज आई, एच की आवाज साइलेंट है, नहीं आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो उन वो एन किससे पहले आएगा, उन वर्ड से पहले आएगा जहाँ पे एच साइलेंट होता है, एच की आवाज साइलेंट होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो यूज ऑफ द। अब द का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं या हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, जब पर्टिकुलर शब्द आ जाता है तभी तो हम इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ों के आगे लगता है। जैसे कि हमने कहा इस क्लास के लड़के बड़े शैतान हैं, तो हमने पर्टिकुलर कर दिया इस क्लास के लड़के, ठीक है, तो हमने क्या कहा, द बॉयज। अब देखो पर्टिकुलर हो गया ना, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के लड़के, तो हमने पर्टिकुलर कर दिया, द लग गया। अब आगे देखो, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नाम से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। एग्जाम्पल द गैंजेस। इसी तरह से जो रिलीजियस बुक होती है जैसे द बाइबल, द गीता, ठीक है। और द किससे पहले लगता है, ओशंस के नाम से पहले, द पैसिफिक ओशन। आइलैंड्स के नाम से पहले जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब आगे चलो, इसी तरह से द का यूज और कहाँ होता है। अब अगर हम किसी को टाइटल देते हैं, जैसे हम कहते हैं अशोका, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगेगा, टाइटल से पहले द लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो थर्ड लाइन होती है एडजेक्टिव्स की, तो उससे पहले भी क्या लगता है, द लगता है। जैसे कि वर्ड्स होते हैं हमारे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट क्या होता है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले क्या लगता है, द लगेगा, ठीक है। जैसे कि द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का। इसी तरह से द वर्स्ट क्लास, सबसे बुरी क्लास, तो वर्स्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनसे पहले क्या लगता है, द। इसी तरह से बिफोर द एडजेक्टिव्स, उन एडजेक्टिव से पहले, व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड, नाउन इज अंडरस्टूड का मतलब ये होता है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कुछ एडजेक्टिव है अमीर, गरीब, ये अमीर लड़का है, तो हमने उसको एडजेक्टिव हो गया ना अमीर, तो ये गरीब लड़का है, हमने उसकी क्वालिटी बता दी, ये गरीब है, ये अमीर है, तो इसमें क्या हुआ, जब हम ये कहते हैं तो क्या आ जाता है, इसकी सुप वो हम लगा बता रहे हैं, इसको एडजेक्टिव्स है। तो जब एडजेक्टिव्स में नाउन ऑटोमेटिकली क्या हो, अंडरस्टूड हो, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं।
अब जैसे कि हमने बोला द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो ये अंडरस्टूड है, रिच तो क्या एडजेक्टिव है, वो अमीर। तो आप देखो इसमें आप क्या समझो, द रिच, रिच का क्या मतलब हो रहा है, द रिच पीपल, अमीर लोग। तो यहाँ पे क्या है, जो एडजेक्टिव है वो किसकी तरह अंडरस्टूड हो रहा है, नाउन की तरह ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो रहा है। पीपल नहीं भी लिखेंगे, द रिच लिखेंगे तो उससे अंडरस्टूड है कि वो अमीर लोगों की बात कर रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो पुअर भी क्या है यहाँ पे, पीपल, गरीब लोग हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि ये क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम द लगाएंगे जब क्या हो एडजेक्टिव नाउन के जैसे हो। यहाँ पे हमें पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच से पहले ऑटोमेटिकली द लग जाएगा और पुअर से पहले भी द लग जाएगा। ठीक है, आप देखो आगे, बिफोर द नेम ऑफ रेसेस, रेसेस जैसे द हिंदूज द मुस्लिम्स, तो ये क्या है, रेसेस है, द हिंदूज द मुस्लिम्स, तो इनसे पहले क्या लगता है, रेस से पहले द, ठीक है, आर्टिकल द इज यूज्ड। मगर हम जब कहते हैं ना कि ही इज, वो हिंदू है, तो हम ये कहते हैं ही इज अ हिंदू, ठीक है। इन बीच इनका ध्यान रखना कि वो सिंगुलर के बारे में बात करें, एक इंसान के बारे में बात करें तो उसे पहले क्या लगेगा, अ, ही इज अ हिंदू, ही इज अ मुस्लिम, ठीक है। मगर हम जब कहेंगे द हिंदूज, जब हमने प्लूरल ले लिया, बहुत सारों को क्या कर लिया, एक सबको एक क्या बना दिया, इकट्ठा करके हमने बोला, प्लूरल फॉर्म में बोला, तो उसे पहले क्या लगाओगे आप, द लगेगा प्लूरल से पहले, ठीक है। इसी तरह से आप देखो ये आर्टिकल्स तो लगते हैं ऐसे, मगर हर जगह कुछ इनके क्या है, रूल्स हैं, पर कहाँ पर आर्टिकल नहीं भी लगते हैं, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता सेंटेंस में, गलत होता इनका यूज़, ठीक है। आप जैसे हमने कहा पहले नंबर पे ए जो है कभी भी प्लूरल से पहले नहीं लगेगा, हम ये नहीं बोलेंगे ए कार्स, ठीक है, हम बोलेंगे कार्स आर, जैसे पार्क करनी है तो कार्स आर पार्क्ड, ए नहीं बोलेंगे प्लूरल से पहले, ठीक है, ए इज़ नॉट यूज्ड, ऑमिटेड। दूसरे नंबर पर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स, मील्स मतलब खाने से पहले हम कभी ये नहीं कहेंगे अ डिनर, ठीक है, अ लंच, तो मील के नाम से पहले आप ए नहीं लगाओगे। उसी तरह स्पोर्ट्स, जैसे टेनिस है तो हम ए टेनिस नहीं बोलेंगे, ठीक। इसी तरह से हमारे कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स इंग्लिश, तो इनसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो हम नहीं लगाएंगे द या कुछ भी, हम सब ये कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मगर हम जब कोई सेंटेंस ऐसे कहते हैं सीता इज गुड एट, और हम जब पर्टिकुलर कह दें एट द मैथ्स सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे, जब हम पर्टिकुलर बता रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। नॉट यूज्ड, अब देखो आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते, नॉट यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउंस, मटीरियल चीज़ें होती हैं जैसे गोल्ड आयरन, इनसे पहले आप आर्टिकल ए नहीं लगाओगे, इससे पहले हम ये नहीं कहेंगे अ गोल्ड, हम यही कहते हैं द स्टैचू इज मेड ऑफ गोल्ड, ये नहीं कहते अ गोल्ड, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं द स्टैचू इज मेड ऑफ गोल्ड, नॉट अ गोल्ड, इसी से एन आयरन भी नहीं कहती है, ठीक, क्योंकि मटीरियल नाउन से पहले ए आर्टिकल नहीं लगता, ओमिटेड होता है। नेक्स्ट देखो, हम ए को, हम कोई आर्टिकल है उसका दो बार यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हम यूज़ करते हैं कोई सेंटेंस बोलते हैं ए की पर्सन के लिए, जैसे शी इज़ अ गुड सिंगर एंड अ गुड डांसर, तो ये सेंटेंस गलत है, अ गुड डांसर अ गुड सिंगर, हम एक ही की दो बार क्वालिटीज़ बता रहे हैं तो उससे पहले दो बार ए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, अगर किसी में दा होता है तो हम वो भी यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ अ गुड सिंगर एंड डांसर, ये ए दोबारा नहीं लगेगा, ओके। आप देखो नेक्स्ट, दा इज़ नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज होती है जैसे हिंदी,
इंग्लिश, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे द हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, गलत होगा। हमें सिर्फ ये कहना है हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ डे मंथ पार्ट्स ऑफ डे, हम दिनों के नाम से पहले जैसे कि मंडे संडे ट्यूसडे, इनसे पहले द नहीं लगाते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मंथ के नाम से पहले जैसे जनवरी फरवरी, तो द जनवरी द फरवरी ये गलत है। पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे जैसे नून टाइम आफ्टरनून टाइम इवनिंग, तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आर्टिकल इज ऑमिटेड, ठीक है ना। इसी तरह मैंने बताया ना जैसे द मंडे ये गलत है, हम क्या कहेंगे अगर हमें कुछ कहना है, जैसे कहना है मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हम कहेंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर इनसे पहले क्या लगता है, द लगता है, मंडे से पहले द नहीं लगेगा, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट देखो अगला है आगे, द इज नॉट यूज्ड बिफोर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले कभी द नहीं लगता, मगर जैसे कुछ शब्द होते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे सन उससे पहले द लगता है, जो पर्टिकुलर है यूनिवर्स में द सन द अर्थ, ठीक है ना, ये इनके आगे क्या लगेगा, द लगता है। मगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आगे द नहीं लगता, जैसे कि अब आप पहला वर्ड ले लो गॉड, गॉड से पहले कभी द नहीं लगता, ठीक है ना। इसी तरह से अगला वर्ड है जैसे लव, लव से पहले भी द नहीं लगता, मगर इस ये जब कुछ ये शब्द में एक्सेप्शन है कि अगर हम लव को हम किसी पर्टिकुलर बात के लिए बताएं, मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगी उसे समझ में आएगा, तो तब क्या लगेगा, तब द लगेगा, मगर वैसे लव से पहले द नहीं लगता। जैसे अगर हम कहें द लव इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ईयर, ठीक है ना, तो ये गलत होगा, द लव नहीं लिखते, सब क्या लिखते हैं, लव इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ईयर टू ब्रीथ, ठीक है ना। अब अगर हम लिख दें, इसी के लिए एग्जांपल मैं आपके बताऊँ आगे कहाँ लगता है लव से पहले द, अगर हम जैसे कहें एज द लव ऑफ द मदर, जब हम कहते हैं द लव ऑफ द मदर, लव ऑफ मदर हमने कहा ना पर्टिकुलर बात आ गई, माँ का प्यार, तो हमने क्या लगाया, इस तब हमारा क्या लगेगा, लव से पहले द लगेगा जब हम पर्टिकुलर किसी बात को बताते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जैसे डेथ, इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, सोसाइटी टेम्पल, आप देखो टेम्पल हमने कहा, सो ये शब्दों का यूज़ मैंने कहा ना आपको, जब हम कुछ क्या करेंगे टेम्पल के आगे भी द लगेगा, मगर कब लगेगा और कब नहीं लगेगा इस बात को देखो। जब हम टेम्पल किस लिए जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं ना, तो हम जब पर्टिकुलर प्राइमरी काम कर रहे हैं, मतलब कि हम टेम्पल किस लिए जाते हैं, वर्शिप के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो जब हम ऐसे कहेंगे ना कि मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, तब आप द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो प्राइमरी काम है। टेम्पल हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं, तो आई वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम वर्शिप करना क्या है, हमारा प्राइमरी काम है कि हम रोज़ वर्शिप करने ही पूजा करने के टेम्पल में जाते हैं, तो द नहीं लगेगा, तब टेम्पल से पहले द नहीं लगेगा। मगर कब लगेगा, अगर तब लगेगा जब हम इस वर्क को वर्शिप की जगह हम कुछ और करने जाएं, एग्जांपल अगर हम किसी शादी को अटेंड करने जाएं मंदिर में, तो हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि उसका प्राइमरी वर्क चेंज हो गया। जैसे कि अगर सेंटेंस हो जाता है आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड मैरिज, ठीक है ना, मैं जब मैरिज अटेंड करने गया टेम्पल में तो अलग काम हो गया, तो हम टेम्पल से पहले भी क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पे द का यूज़ होना और कहाँ पर नहीं होना इन वर्ड से पहले, ठीक है। इसी तरह से अगर हम स्कूल हो कॉलेज कोर्ट ये शब्द हैं, इनसे पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे, मगर हम इनका जब प्राइमरी काम चेंज कर देंगे तो हम क्या करेंगे, द लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम किसी जैसे बच्चे को स्कूल लेने, अपने भाई को स्कूल लेने गया वो, तो अब हम वो पढ़ने तो नहीं गया ना स्कूल, प्राइमरी काम तो नहीं करने गया, तब द लगेगा। जैसे कि ही वेंट टू द स्कूल टू टेक हिज ब्रदर, वो अपने भाई को लेने गया, ठीक है ना, तो हम स्कूल से पहले क्या लगा देंगे, तब द, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अगर हम कहते ना ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है ना, ही वेंट टू स्कूल टू द स्कूल
टू स्टडी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टडी करने तो हम जाते ही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दा नहीं आएगा जब अगर हम वो काम करने जा रहे हैं जब वहाँ पर होता है, तो क्या होगा, दा नहीं लगेगा। इसी तरह से कुछ वर्ड्स और होते हैं जिनके आगे दा नहीं लगता, ऑमिटेड होता है, जैसे नॉर्दर्न, सर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो इनके आगे दा नहीं यूज होता। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, तो राजस्थान कहाँ है, वेस्टर्न इंडिया में है, तो हम इससे पहले आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, आप देखो नाम से पहले प्रॉपर नाउन्स क्या है, किसी के पर्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ठीक है ना, तो इनसे पहले दा नहीं लगता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे कि हम ये कहते हैं दिल्ली, हमने कहा ना शहरों के नाम से पहले दा नहीं लगेगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, किसी जगह के नाम है, कंट्रीज़ के नाम से पहले नहीं लगेगा, पर्सन्स लोगों के नाम से पहले दा गीता दा राम नहीं कहते। इसी तरह स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, जैसे महात्मा गांधी रोड है, तो हम उससे पहले दा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दा नहीं लगता, जैसे कि ऑनेस्टी शब्द है, ऑनेस्टी को हम क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं ना, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसे दा लग गया, पर ऑनेस्टी से पहले दा नहीं लगाएंगे, गलत होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ऑनेस्टी क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी तरह से विजडम वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनके आगे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा नहीं लगता, मतलब आर्टिकल नहीं लगता कोई भी। ओके, मगर कुछ एक्सेप्शन हो जाती हैं, एक्सेप्शन जैसे हो जा क्या है कि अगर हम कहें आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, हमने पर्टिकुलर लड़का ले लिया, कोई लड़का है, पर्टिकुलर लड़का है, तो मैं कह रही हूँ मैं उसकी ईमानदारी को क्या करती हूँ, प्रेज करती हूँ उस लड़के की ईमानदारी को, तो हम उसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द लगेगा, आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, जब हम पर्टिकुलर बात करें, और जनरल बात करेंगे तो नहीं लगेगा, और अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो द लगेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। ओके, तो मैं कल इसके एरर्स बताऊँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।